कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी सरकार पर बयान बाजी करने पर राजनीति गर्मा गई है। उनके और उनके गृह जिला हमीरपुर में बीजेपी नेताओं ने सुक्खू को हद में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि सुक्खू की आदत औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो स्वयं सुक्खू पर भी अवैध खनन के आरोप लगे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री रहते 5 साल से जमानत पर हैं और जिसके पार्टी अध्यक्ष खनन माफिया में मिलीभगत के संगीन आरोपों से घिरे हों, वह व्यक्ति भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो हास्यप्रद बात है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा की चार्जशीट में सुक्खू खनन माफिया के रूप में छाए हुए हैं, जिसकी भाजपा सरकार अब जांच करवाने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष का भी पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा कि सुक्खू एकमात्र नेता है जिन्होंने ये माना है कि राजनीति उनका पेशा है। ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो टिप्पणी है उसके ऊपर हम तो यही कहना चाहेंगे कि औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। जिस पार्टी की 5 साल सरकार रही, जिसके मुख्यमंत्री 5 साल जमानत पर रहे और जमानत पर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सील हो चुकी हैं, और जिस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो खनन के अवैध कारोबार के जिनके ऊपर संगीन आरोप तालमेल के लगे, और जो कि भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है उसमें भी खनन के शिरोमणि डिक्लेयर हुए हैं, ऐसे लोग जो अपना पेशा जो है वो राजनीति बताते हों, वो लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हों, वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जयराम ठाकुर सरकार को भ्रष्टाचार के ऊपर बात करें तो ये उनको शोभा नहीं देती है। हम इनसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की युवा ईमानदार सरकार जो है वो सत्ता में आई है। जिस तरह से केंद्र सरकार में आज 4 वर्ष हो गए हैं लेकिन भ्रष्टाचार का कोई एक भी आरोप कोई भी व्यक्ति लगा नहीं सकता, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कांग्रेस जिसके ऊपर सैकड़ों भ्रष्टाचार के जो हैं वो मामले जो हैं लोगों के ऊपर रहे, और उस पार्टी के वो लोग इस बारे में भ्रष्टाचार की बात करें इस सरकार के बारे में, इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि गत कुछ दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी सरकार पर तीखी टिप्पणियां की थी, जिस पर अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी जारी हो गई है।